सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन और आज हम बात करेंगे डीसी के फर्स्ट फ्लैश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है जे गैरिक। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कॉमिक्स का ऐसा दौर था जिस टाइम पे कुछ भी पीके या कुछ भी चीज़ें होके वो सुपर हीरो बन जाते थे, तो थोड़ा बहुत समझ लेना इसकी ओरिजिन को। बैरी एलन जैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं है, बट जितनी भी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी कॉमिक्स फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिली थी 1940 में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पुरानी कॉमिक्स है, जिसका इशू आया था फ्लैश इशू नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, तभी इसकी पूरी पूरी स्टोरी हमारे सामने आई थी और ये लाइव एक्शन में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था स्मॉलविल में, जो कि 2007 के आसपास रिलीज हुई थी लाइव एक्शन टीवी सीरीज, उसमें हमें देखने को मिला था। और इस कॉमिक बुक के टोटल 32 ही इशू बन पाए थे, क्योंकि उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद, यानी जब 32 इशू पब्लिश हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया था पूरे दुनिया में, जिस तरह से आपको भी पता है, उस वजह से उसके आगे कॉमिक्स बन नहीं पाए। और उसके बाद जब डीसी ने फ्लैश फिर से इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने, तो हमारा ये जे गैरिक एज अ फ्लैश बन के नहीं आया, कुछ नया फ्लैश हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि बैरी एलन जैसा कैरेक्टर हमारे सामने रखा गया। पर डीसी ने जे गैरिक को मरने नहीं दिया, यहाँ पे इसको अलग अलग कॉमिक्स में अपीयर होता रहा ये, और आगे जाके कुछ ना कुछ काम करता ही रहा और फ्लैश के भी काम में आता ही रहा, जैसे बैरी एलन के भी काम में वो आता ही रहा और उसकी जो भूमिका है वो हमेशा आके बजाता ही रहा। तो ओवरऑल आज हम करेंगे इसका पूरा का पूरा ओरिजिन कवर, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डीसी के यूनिवर्स के फ्लैश के बारे में। तो अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है भाई लोग, कि 7 फ्लैश डीसी यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला हमारा जे गैरिक है, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद आयरिश वेस्ट भी है, उसके बाद बार्ट एलन भी है, जेसी चैम्बर्स करके है वो भी है, वैली वेस्ट है, और हमारा मैक्स मर्क्यूरी है, और लास्ट में आता है हमारा बैरी एलन। जी हाँ दोस्तों, ये 7 फ्लैश बिलोंग करते हैं इस पूरे डीसी यूनिवर्स में। तो आज हम जे गैरिक की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, फिर भी मैं बीच बीच में इन लोगों का अपीरियंस थोड़ा सा बताते जाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे बैरी एलन को सब लोग ही जानते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो पहले देखते हैं इसकी ओरिजिन क्या है, एक्चुअल में ये कैसे क्या बना। जे किंगस्टोन सिटी में मिड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका जो हार्ड वाटर है वो टेस्ट ट्यूब से नीचे गिर जाता है, जिससे फ्यूम्स निकलने लगते हैं, जिससे धुआं और क्या बोलते हैं भाप निकलने लगती है, उस भाप से वो बेहोश हो जाता है और वो इनहेल कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। इस वजह से जैसे ही बेहोश हुआ देखता है उसका दोस्त तभी वहाँ पे एलिटो स्पिरो, जी हाँ दोस्तों, ये आता है और उसको वहाँ से लैब से बाहर लेके जाता है। इस सूंघने की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ है और उसके बॉडी के न्यूट्रिशन उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही उसको मिल जाती है सुपर नेचुरल स्पीड और सुपर नेचुरल रिफ्लेक्सेस। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही सुपर स्पीड मिलती है और सुपर नेचुरल रिफ्लेक्सेस भी मिलते हैं, जिस तरह से फ्लैश का ये पूरा का पूरा प्रॉपर वे में हमें दिखने को मिलता है। और फिर वो लोगों की मदद करता है और बन जाता है एक सुपर हीरो फ्लैश। जी हाँ दोस्तों, तो ये इतनी सी ही इसकी पूरी की पूरी ओरिजिन बताई गई है डीसी कॉमिक्स में। पर उसका जो हेलमेट है ना, जो उसने हेलमेट अपने पिताजी से लिया था, क्योंकि उनके पिताजी वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे उस युद्ध के दौरान, इस वजह से वो हेलमेट पहनता है। बट उसके साइड में जो फर लगे हुए दिखते हैं वो ज्यूस की याद दिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ज्यूस का प्रतीक माना जाता है, इस वजह से उसने वो लगाया, और इसका वो ढाल की तरह भी उपयोग करता है और कभी कभी अपने एक वेपन की तरह भी इसको इस्तेमाल करता है, जिस तरह से हमने एक दो मूवीज़ में एक दो एनिमेशन कार्टून्स में भी देखा है इसको उसी तरह से। जे के 3 दुश्मन थे, एक पहला था फिडलर, दूसरा था थिंकर, तीसरा था शेड। ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने ऐसी मशीन क्रिएट की जो कीस्टोन सिटी को पूरे यूनिवर्स से ही मिटा सके, क्योंकि मिटा सके यानी उसको तबाह नहीं करेंगी, आजू बाजू के और आसपास के लोग और इस सिटी के लोग भूल ही जाएंगे कि बाहर एक अलग दुनिया है, या बाहर वाले लोग भूल जाएंगे कि यहाँ पे एक कीस्टोन नाम की सिटी एग्जिस्ट भी करती है। ऐसे ही ये लोग भूल जाते हैं
फिर आगे चल के बैरी एलन, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा बैरी एलन जो कि इस सिटी को खोजता है, और फिर जे गैरी रिटायर्ड हो जाता है कि एक्चुअल में अभी दूसरा फ्लैश है तो मेरी तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये सोच के वो रिटायर्ड हो जाता है। जबकि उसकी ज़रूरत जब भी होती है तो वो आता है, हमेशा बैरी एलन की भी मदद करता है, गवर्नमेंट की भी मदद करता है। ऐसे ही जब अर्थ पे सोलर रेडिएशन बढ़ने लगा तो उसने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, और इसके लिए जस्टिस लीग यानी जस्टिस सोसाइटी अमेरिका फिर से इंट्रोड्यूस की गई हमारे सामने, और गवर्नमेंट ने उसको ये काम सौंप दिया कि भाई तू ये देख, और ये जो सोलर सिचुएशन थी इसको रेडिएशन को कम करने के लिए उसको रखा गया। और फिर वो जस्टिस सोसाइटी का मेंबर भी बन चुका, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का, और आगे जाके ये जो टीम ख़त्म हो गई तो इसी तरह से ये रिटायर्ड हो गया बाद में, और बाद में ज़्यादा बूढ़ा होने के कारण ये ज़्यादा काम नहीं करता था, फिर भी आगे चल के कुछ ना कुछ चीज़ों में वो हेल्प करते ही रहता था, जिस तरह से हमने टीवी सीरीज़ में भी देखा है कि वो अलग डायमेंशन से आके यहाँ पे बैरी की मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, और स्पीड फोर्स भी उसके साथ है, तो आपको अगर स्पीड फोर्स के बारे में पता नहीं है तो मेरा द फ्लैश वाला वीडियो देख लेना, आपको पूरी चीज़ें उसमें पता चल जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यही है जे गैरिक की ओरिजिन, और अगर इसके पावर्स और एबिलिटी के बारे में बात करें तो जो फ्लैश के पास पावर्स है जितनी आपको पता है, सुपर स्पीड, सुपर रिफ्लेक्सेस, टाइम ट्रैवल कर सकता है ये बंदा बिकॉज ऑफ ये लाइटनिंग से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, और स्पीड फोर्स इसको इस सारी चीज़ों को पैदा करने में इसकी मदद करती है। तो दोस्तों यही है पूरी जे गैरिक की ओरिजिन, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना मूवीजिन चैनल को, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीजिन।